हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारी वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं आज की ग्रीन। तो आज हम लोग जो है क्या नाम है, वलीमे का लुक देंगे, आइस का, जैसे वलीमे की ब्राइड होती है, लेकिन थोड़ा हम लाइट शेड रखेंगे इसका ना। तो आज हम जो है ग्रीन शेड लगाने वाले हैं अपनी आइस पर। और बेस जो है हमने पहले ही, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि हर वीडियो में बेस एक जैसा ही हम अभी यूज़ कर रहे हैं, तो वो मैंने पहले ही अप्लाई कर लिया था आइस पर। अब जो है मैं ग्रीन शेड अप्लाई करने लगी हूँ। ग्रीन शेड हमने अप्लाई कर दिया है कंप्लीट, और इसकी एप्लीकेशन भी बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लिया। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे और क्रीज लाइन को हम डिफाइन करेंगे इसके बाद। और आज के ट्यूटोरियल में बहुत ज़्यादा हमें तंग किया है, बहुत ज़्यादा तंग किया है। अभी भी चाय वाला आ गया था अपनी केतली लेने तो, और आज अभी लाइट भी नहीं है, तो मुझे जो है अपने हाथ से मोबाइल की लाइट जलानी पड़ी है, क्योंकि अभी तक हमने क्या कहते हैं रिंग लाइट नहीं खरीदी है। अब हम जो है रेड शेड अप्लाई करेंगे ऊपर क्रीज लाइन को डिफाइन करने के लिए। देन इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। कितना प्यारा, देखें अभी से ऐसा लुक आ रहा है ब्राइडल वाला। तो अब आप सोचें कंप्लीट होने के बाद कैसा लगेगा। तो कंप्लीट मेकअप देखने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अब जो है हम आईब्रो बोन के ऊपर शिमर अप्लाई करेंगे गोल्डन कलर की। कितनी सीधी लेटने के ब्रांड अब हम अपने इनर कॉर्नर पर भी जो है शिमर अप्लाई करेंगे गोल्डन, और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, दो दो मोबाइल पकड़कर मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अब जो है हम अपनी थोड़ा सा आई लिड पर जो है शिमर को अप्लाई करेंगे। और उसके बाद हम लगाएंगे काजल और आईब्रोज भी फिल करनी है। आंखें बंद कर लो। इसके बाद हम करेंगे आईब्रोज को। अब हम अपनी आईब्रोज को जो है क्लीन करेंगे ब्रश के साथ। वैसे तो इस ब्रश का नाम है, लेकिन ये मेरी सिस्टर जो है ना थोड़ा दांत फाड़ी थी तो इसलिए मैंने नाम लिया। अब हम जो है आईब्रोज पर डार्क ब्राउन जो है शेड लगाएंगे। पहले मैं अपनी आईब्रो पर जो है लाइट ब्राउन लगा रही थी, क्योंकि मेरी आईब्रो डार्क है,
और ये आईब्रो जो है अभी थोड़ी सी क्या नाम है लाइट है, तो हम डार्क ब्राउन शेड लेंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से जो है हमारी आईब्रो डिफाइन हो। डार्क ब्राउन शेड जो है हम अपना जहां भी हमारे स्पेस है हेयर्स ग्रोथ में वहां पर इसको जो है अप्लाई करेंगे। देन अप्लाई करने के बाद जो है हम इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे ब्रश के साथ ही, और ये बहुत अच्छा जो है हमारे पास आईब्रो पैलेट है और इससे बहुत अच्छी आईब्रोज जो है सेट हो जाती हैं। यहाँ से मुझे थोड़ी सी जो है फीलिंग कम लग रही थी तो मैं यहाँ भी इसको अप्लाई कर लूँगी। ये देखें कितना अच्छे से जो है ब्लेंड और ये साथ के साथ। और अब जब हमारा लाइनर ऊपर से जो है सूख गया थोड़ा सा तो हम नीचे भी लाइनर अप्लाई करेंगे। आईज को जो है ओपन करें ऊपर की तरफ। और जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा जो गिर गया है नीचे थोड़ा सा उसको हम ब्रश के साथ क्लीन कर लेंगे। तो ये था हमारा फाइनल लुक। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। और ये थोड़ा सा ओपन करके दिखाएं आईज, और ये थोड़ा सा नीचे डॉट लग गया ये मैं बाद में क्लीन कर लूंगी। वैसे आप मुझे बताएं कमेंट्स करके कि कैसा लगा आपको हमारा मेकअप, क्लोज करें। ओके, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।